दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने YouTube चैनल को वेरीफाई कैसे करें, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से 2022 में। बहुत लोग के दिल में ये आ रहा है कि 2022 में मैं अपने YouTube चैनल को ओपन करूँगा, बहुत लोग ये बात को सोच रहे हैं। तो अभी तक आप अपने YouTube चैनल को ओपन नहीं किए हैं और आप अपने YouTube चैनल को ओपन करना चाहते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से YouTube चैनल बनाना चाहते हैं, तो इस टॉपिक में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप ये वाला जाकर वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका से मैं बताया हूँ कि अपने YouTube चैनल को कैसे बनाना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अपने YouTube चैनल को मोबाइल फ़ोन से वेरीफाई कैसे करना है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरा नाम जान लें, मेरा नाम है रसूल, आप देख रहे हैं टेक्निकल रसूल। गाइज वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे अभी तक आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। तो चलिए मैं अपना मोबाइल के स्क्रीन को ऑन कर लेता हूँ। तो देखिए साइड में आपको मोबाइल के स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। तो चलिए मैं अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में आपको क्रोम ब्राउज़र में यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद में इसको क्या करना है कि डेस्कटॉप साइड में ऑन करना है। तो चलिए मैं अपना YouTube को डेस्कटॉप साइज में ऑन कर लेता हूँ। जैसे ही डेस्कटॉप साइज को इनेबल करेंगे तो आपको क्या होगा कि ये कंप्यूटर की तरह दिखाई देगा। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में आपको टॉप में राइट साइड में देखिए प्रोफाइल का आइकन नज़र आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन नज़र आएगा योर चैनल का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाया जाएगा। तो देखिए मेरा नेट स्लो है तो आ गया नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे देखिए कस्टमाइज चैनल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको YT स्टूडियो में क्रोम ब्राउजर में ले जाएगा। तो चलिए मैं वेट कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा YT स्टूडियो ओपन हो रहा है, तो मैं इसको ओपन होने देता हूँ। ओपन होने के बाद में आपको देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए नीचे में एक सेटिंग का आइकन आपको नज़र आएगा। तो आपको क्या करना है कि सेटिंग के आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए चैनल के आइकन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एडवांस सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा। उसके बाद फीचर का ऑप्शन नज़र आएगा, तो फीचर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा इंटरमीडिएट फीचर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा वेरीफाई फ़ोन नंबर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद में आपको देखिए कुछ नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। तो देखिए ये पेज ओपन हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि देखिए कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप जिस कंट्री से हैं। तो मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया को सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, उस मोबाइल नंबर को डालना है जिस मोबाइल नंबर से आप अपना यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करना चाहते हैं, वो मोबाइल चालू होना चाहिए। तो चलिए मैं अपना नंबर को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैं गेट कोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का एक वेरीफाई कोड जाएगा, तो आपको इसको इंटर कर देना है। तो देखिए ये कोड आ गया, देखिए मैं सबमिट कर दिया। जैसे ही सबमिट कर दिया तो यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन योर फोन नंबर हैज़ लो बीन वेरीफाई, यानी कि मेरा YouTube चैनल वेरीफाई हो गया। तो वेरीफाई करने के बाद में आपको क्या क्या फ़ायदा है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अपने YouTube चैनल को वेरीफाई नहीं करेंगे तो आप अपने वीडियो में कस्टम थंबनेल नहीं लगा पाएंगे और अपने YouTube चैनल पे 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। वही अगर आप वेरीफाई कर लेते हैं तो आप कस्टम थंबनेल भी लगा पाएंगे और अपने चैनल पे 15 मिनट से ज़्यादा का भी वीडियो अपलोड कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वेरीफाई करने आ गया होगा और वीडियो समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए मैं मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। साइड में आपको दो वीडियो दिखाई दे रहा होगा, किसी एक वीडियो पे क्लिक करें और एंजॉय करें।